एसपीसीडी कृष्ण कुमार विश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए बक्सीपुर चौकी से पांडेहाता तक पीएसी जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में एसपीसीडी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जुमे की नमाज को देखते हुए शांति व्यवस्था का पालन करवाने के लिए दंगा निरोधक उपकरणों के पीएसी जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। शुक्रवार की जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए समय समय पर फ्लैग मार्च करवाया जाएगा और लोगों से संवाद भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, सोशल भी जो लोग अफवाह फैलाते हैं उनका शांति भंग में चालान कर जेल भेजा जाएगा। वहीं इस संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा कि लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज भी होती है। लोगों में पुलिस का विश्वास बना रहे कि किसी तरह का भय ना हो, यह फ्लैग मार्च के माध्यम से जागरूक किया गया। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, बक्सीपुर चौकी प्रभारी धर्मवीर सिंह, उप निरीक्षक संतोष कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, और ये सी के ट्रक्स वगैरह हैं वो जो मूविंग के ट्रक आ जाए वहाँ पर बस और ट्रक के वहाँ आ जाए। पांडे आसाद क्या है वो? पांडे आसाद बड़ी रोड है ना, बड़ी वहाँ इनके ट्रक खुलवा लो, तुम इंश्योर करोगे कि ये चलेंगे ना पांडे आसाद तक चलेंगे हम लोग, उसके पीछे वो लग जाएंगे। जैसा कि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज़ भी अदा होती है, इसके अलावा शहर के लोगों में पुलिस और प्रशासन का एक विश्वास बना रहे, लोगों को किसी प्रकार का कोई भय ना हो, लोगों को सुरक्षित महसूस हो, सुरक्षा की गारंटी हो, इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट तथा पीएससी के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि शहर में सभी जगह पर शांति का माहौल रहे, लोगों में सुरक्षा का माहौल व्याप्त रहे। और के दिन शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए शांतिपूर्वक नमाज अदा करें लोग, इसको मद्देनज़र रखते हुए दो प्लाटून पीएसी जो एक क्यूआरटी के रूप में एक अच्छे क्यूआरटी का जो गणवेश होता है उसमें दंगा निरोधक जितने भी उपकरणों से लेस होकर बक्सीपुर चौकी से पांडेहाता चौकी तक फ्लैग मार्च किया जा रहा है और शांतिपूर्वक नमाज भी अदा की गई है एवं शहर में शांति बनी रहे इसके लिए समय समय पर फ्लैग मार्च कराया जाएगा। इस संबंध में सभी लोगों से बात भी की गई है एवं सभी धर्मगुरुओं से संवाद कल शाम को भी किया गया था एवं इसी तरीके का संवाद आगे भी जारी रहेगा। सभी सोशल मीडिया के लोगों को चिन्हित कर जो इस तरीके का फैलाते हैं उसको पहले तो उसका खंडन किया जाता है सोशल मीडिया पर ही एवं उसके बाद में उनको शांति भंग के अंदर उनका चालान भी करके उनको जेल भिजवाया जाएगा।